ग्रेविटेशनल एनालॉग ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सिंपली ये देखेंगे कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनको हम किस तरह कंपेयर कर लेते हैं, यानी उसमें जो फिनोमिनन होती है वो किस तरह एक दूसरे के साथ सिमिलर होती है। सो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक सर्किट की एक सिंपल जो एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक सर्किट की और एक ग्रेविटेशनल फील्ड की, वो हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, सपोज एक इलेक्ट्रिक सर्किट है फॉर एग्जाम्पल। जस्ट हम पहले इसकी डायग्राम को थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं, बाद में इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं किस तरह ये वर्क करते हैं। आप कंसिडर कर लें कि एक बैटरी है, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक बैटरी है, चूंकि पॉजिटिव हम देखिए बिग लाइन से शो कर लेते हैं, यानी इसकी जो हमारे पास पोटेंशियल होती है वो हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हाइयर है, तो इसीलिए हम लार्जर लाइन लेते हैं। और ये हमारे पास है नेगेटिव। सपोज यहाँ पर देखिए, आप इसके साथ एक वायर अटैच कर लेते हैं यू, यहाँ पर कोई भी कोई लोड ले लें, कोई फॉर एग्जाम्पल बल्ब ले लें, लेट सपोज इसको यू कंसिडर कर लें यहाँ पर यू। अब देखिए, हम कहते हैं कि जो कन्वेंशनल हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेते हैं, तो ये करंट की डायरेक्शन होगी यू। ये चार्जेस आएंगे, इसको ग्लो करेंगे, इसको एनर्जी देंगे, और उसके बाद इस बल्ब को एनर्जी देंगे, और उसके बाद देखिए इस डायरेक्शन में वापस आएंगे यू यहाँ पर। ये एक्चुअली हमारे पास कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी। इसी तरह अगर हम इसका एक एनालॉग बनाए ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो हम यू बना सकते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पाइप आप कंसिडर कर ले, कोई और अरेंजमेंट कंसिडर कर ले यू इस तरह। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉल है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई मेटालिक बॉल कंसिडर कर ले, कोई और बॉडी कंसिडर कर ले, कोई स्टोन कंसिडर कर ले। फॉर एग्जाम्पल इस बॉल को हम यहाँ से देखें यू यहाँ से मूव कर लेते हैं, वो यहाँ पर आता है वापस ग्राउंड पर, जो है स्ट्राइक करता है यहाँ पर आ जाता है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि कंटिन्यूअसली ये बॉल मोशन करे इस तरह, यहाँ से आते जाए फिर यहाँ से आते जाए, तो हम क्या करेंगे, जब ये यहाँ से आएगा यहाँ पर ड्रॉप होगा, तो हम इसको फिर उठाएंगे यहाँ से, फिर जब इसको उठाएंगे यहाँ से फिर इसको यहाँ पर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप कंसिडर कर ले एक स्टूडेंट है, सपोज वो वर्क करता है, ये उसकी वर्किंग है। फॉर एग्जाम्पल वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता है सपोज, तो देखिए वो इस बाल को वापस जो है यहाँ पर पुट कर लेता है, बाल जो है अगेन अगेन जो है वो मोशन कर लेता है। तो अब देखें, अगर हम कहें कि एक ही बाल है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक ही बाल है, ये हम कंटिन्यूअसली मोशन में चाहते हैं, यानी यहां से आपने इसको छोड़ दिया यू, इसने मोशन की, ग्राउंड पर आ गया, अब आप इसको यहां से उठाते हैं, देखें यहां से आपने इसको उठा दिया यू, वापस इसको यहां पर रख दिया, अब ये क्या करेगा, वापस यहां पर आएगा, आप इसको फिर उठाते हैं यूं, इसको रखते हैं, वापस यहां पर आता है। देखें, अगर इसी बाल को आप यहां से ना उठाएं, तो बाल एक मरतबा यहां से आकर यूं गिर जाएगा, वापस जो है आप इसको अगेन यानी नहीं देख सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि वापस ये यहां पर मूव कर लें। तो इसका मतलब ये है कि इसको कंटिन्यूअसली मोशन में रखने के लिए आप क्या करते हैं, इसको उठाते हैं, फिर आप उसको वहां पर रख लेते हैं, वो मूवमेंट करता है, तो इसी तरह जो इसकी मोशन कंटिन्यू रहती है। देखें, बाल यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी चूंकि जितनी हाइट ज्यादा होती है उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, एम जी एच इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हाइट जो है वो हम एक वेरिएबल चीज लेते हैं, क्वांटिटी। अब जब इसको आप यहाँ से रिलीज कर लेते हैं, देखिए यू मोशन कर लेता है, यहाँ पर आता है, हाइट इसकी जीरो हो गई ग्राउंड पर, तो हम कहते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, यहाँ पर जीरो हो गई। अब जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो इसको यहाँ से वापस इस पोटेंशियल एनर्जी पर लाने के लिए आप क्या कर लेते हैं, इसको उठाते हैं यहाँ से, इस पर वर्क डन कर लेते हैं, आप वर्क डन कर लेते हैं, तो इसमें फिर उतनी ही एनर्जी जो है वहां पर स्टोर हो जाती है, फिर आप इसको छोड़ते हैं तो वो वापस यहाँ पर मोशन कर लेता है। यानी एक्चुअली इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जब जीरो हो जाए यहाँ पर, फिर आप इस पर एक्सटर्नल वर्क डन करते हैं, इसको उठाते हैं, वापस इसको यहाँ पर इस पोटेंशियल एनर्जी तक पहुंचाते हैं, वो अगेन जो है यहाँ से गिर जाता है, रिलीज हो जाता है, फिर आप इसको उठाते हैं, यानी कंटिन्यूअसली आप वर्क डन करते हैं, आपकी जो वर्क डन है वो स्टोर होती है,
एज अ पोटेंशियल एनर्जी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर होती है। वो पोटेंशियल एनर्जी फिर उसमें यानी इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो फिर उसको रिलीज कर लेते हैं, वहां से गिर जाते हैं, यूं नीचे आता है। पोटेंशियल एनर्जी फिर कन्वर्ट हो जाती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में और हीट में और साउंड में एटसेट्रा। यानी यहां पर आप इस पर कंटिन्यूअसली वर्क डन करते हैं। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल इस सर्किट को कंसीडर कर ले, सपोज एक चार्ज है फॉर एग्जांपल, वो यू पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करता है, अगर हम कॉन्वेंशनल डायरेक्शन कंसीडर कर लें, यू मूव करता है, इस बल्ब को एनर्जी देता है, यहां पर ये इसको ग्लो कर लेता है। अब ये वापस आएगा इस डायरेक्शन में नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। जब ये पॉजिटिव चार्ज फॉर एग्जांपल यहां पर आएगा इस टर्मिनल पर, अब देखिए बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि ये बॉल फॉर एग्जांपल हायर स्टेट से आ गया जीरो स्टेट पर, बिल्कुल ये इसी तरह है कि ये चार्ज जो है हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल से आ गया नेगेटिव पोटेंशियल पर। क्योंकि पॉजिटिव को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, पॉजिटिव जो हमारे पास पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल उसको हम कंसिडर कर लेते हैं हायर हायर पोटेंशियल, और जो हमारे पास नेगेटिव है, नेगेटिव पोटेंशियल जो कि राइट साइड पर हमने शो किया है, उसको हम लेते हैं लोअर पोटेंशियल। तो अब अगर आप देखें जब ये चार्ज लोअर पोटेंशियल पर आएगा, ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह के बॉल ग्राउंड पर आ जाए, यानी लोअर पोटेंशियल पर वो भी आ गया बॉल, तो चार्ज भी फॉर एग्जांपल यहां पर आ गया, तो इसका मतलब है कि ये लोअर पोटेंशियल पर आ गया। जब ये लोअर पोटेंशियल पर आता है तो बैटरी क्या करती है, इस पर एक फोर्स अप्लाई कर लेती है, इस पर वर्क डन कर लेती है, और इस वर्क डन को हम क्या कर लेते हैं, क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं इसको। ईएमएफ यानी ईएमएफ एक्चुअली वो वर्क डन है जब आप किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, फॉर एग्जांपल ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है क्यों, जब आप इसको नेगेटिव पोटेंशियल से लिफ्ट कर लेते हैं, ले जाते हैं, कैरी करते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल तक। तो जितना वर्क डन इस बैटरी ने किया, इस वर्क डन को हम क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे। यानी अगर बैटरी ये ईएमएफ अप्लाई ना करे यहां पर, तो जो चार्ज यहां से मूव करेगा, यहां पर नेगेटिव पर आएगा, फिर इसको यहां से यहां जाने के लिए वर्क डन चाहिए। अगर बैटरी ये प्रोवाइड ना करे तो चार्जेस खुद यहां से नहीं जा सकते। तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि जब बैटरी के चार्जेस नेगेटिव पोटेंशियल पर आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए फिर क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए पॉजिटिव पोटेंशियल तक ले जाने के लिए। और जब बैटरी उस पर ईएमएफ अप्लाई कर लेती है, फिर उसको ले जाती है, सो अगेन वो मूव करता है, फिर उस पर ईएमएफ अप्लाई कर लेती है, अगेन वो मूव करता है। तो बिल्कुल इसी तरह जो बॉल फॉर एग्जांपल यहाँ से गिरता है लोअर पोटेंशियल तक, ये स्टूडेंट उसको उठाता है, फिर इसको यहाँ पर ले जाता है, फिर वो गिरता है। यानी एक्चुअली जो मूवमेंट होती है वो स्टोर्ड एनर्जी की वजह से होती है। यहाँ पर जो ईएमएफ इसने स्टोर की, ईएमएफ जो चार्ज पर उसने वर्क डन किया, वो स्टोर होती है एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी, और फिर वो क्या करता है, उस एनर्जी को यूज कर लेता है और फिर वो यहां पर मूव करता है। अगर ये ईएमएफ अप्लाई ना करे तो इसका मतलब है कि उसमें एनर्जी स्टोर नहीं होगी, और एज अ रिजल्ट उस चार्ज की जो मूवमेंट है वो यहां पर आकर स्टॉप हो जाएगी। और अगर आप देखें तो इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट और जो ग्रेविटेशनल हमारे पास फील्ड है, अगर हम दोनों को कंपेयर कर ले तो बिल्कुल सिमिलर इनकी जो वर्किंग है, जो इनकी पैटर्न है, वो बिल्कुल सिमिलर है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एक्चुअली क्या है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट का एक एनालॉग है। एनालॉग का मतलब है कि बिल्कुल उसके सिमिलर है, सिमिलर एग्जाम्पल है इसको, इसीलिए हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एनालॉग ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ और ग्रेविटेशनल फील्ड में जो हम वर्क डन करते हैं किसी चीज को उठाने के लिए, वो बिल्कुल एक ही जैसे फंक्शन करते हैं, एक ही जैसे एनर्जी उनमें स्टोर होती है, और एज अ रिजल्ट फिर वो एनर्जी यूज करके वो क्या करते हैं, वो मूवमेंट करते हैं। और इलेक्ट्रिक सर्किट में ये हमारे पास क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं, जबकि ग्रेविटेशनल फील्ड्स में हमारे पास ये क्या होते हैं, मैसेज होते हैं। यानी ये मैस आपके पास कोई बाल भी हो सकता है, ये आपके पास कोई फॉर एग्जाम्पल स्टोन भी हो सकता है, कोई बॉडी हो सकती है, आप उसको उठाते हैं, उसमें एनर्जी स्टोर होती है और वो अगेन यूज होती है। लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हमारे पास ये क्या होते हैं, सिर्फ चार्जेस होते हैं।